देश भर में कई बड़ी रेप की घटनाएं जो है सामने आई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। वहीं आज सुबह जिस तरह से अगर हम सुबह उठे तो देखा कि किस तरह से हैदराबाद पुलिस ने रेप के जो चारों आरोपी थे, जो महिला डॉक्टर के साथ रेप किया था उनके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, उन चारों का एनकाउंटर कर दिया गया। वहीं करनाल के एक शिक्षक की बात करें तो करनाल के शिक्षक ने जो है सरकार से अपनी बात रखी है। वे चाहते हैं कि निर्भया कांड के जो आरोपी जो तिहाड़ जेल में बंद है, 7 साल से उनको सजा नहीं हो पा रही है, और ये भी बात सामने आ रही है कि तिहाड़ जेल के पास अपना जल्लाद नहीं है जो उनको फांसी दे पाए। हालांकि कोर्ट में अभी भी याचिका जो है चल रही है, लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आई कि जल्लाद नहीं है। और करनाल के एक शिक्षक ने जिन्होंने 9 साल पहले भी जो है ये पहल की थी और सरकार को देश के राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनके सामने ये बात रखी थी, जो कसाब है जो ताज हमले का आरोपी था उनको ये फांसी देना चाहते थे। हालांकि इन्होंने पत्र तब भी लिखा था और अब भी जो है इन्होंने राष्ट्रपति के नाम जो है एक पत्र लिखा है। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 13 में हम मौजूद है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से करनाल के एक शिक्षक है, समाजसेवी है मिहिर बनर्जी, जिन्होंने आप देख सकते हैं किस तरह से ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है कि वे जिसमें मांग कर रहे हैं कि उनको जो है हैंगमैन बनने दिया जाए और वह निर्भया कांड के जो भी आरोपी तिहाड़ जेल में बंद है उनको अपने हाथ से खुद फांसी देना चाहेंगे, उसके एवज में उनको कोई 1 रुपया भी नहीं चाहिए होगा। तो यह खबर हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर जरूर पहुंचनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा मामला है और एक शिक्षक ने पहल की है। निश्चित तौर पर इनकी आवाज जो है मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार इस मामले में जो है जरूर कोई फैसला ले सकती है। इस समय जो करनाल के ही शिक्षक हैं उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। तकरीबन 9-9.5 साल पहले हमने भी तब कवर किया था, तब भी आपने कसाब को फांसी दिए जाने की बात रखी थी, ऐसा क्या है कि अब दोबारा से आपने ये मांग रखी है, क्योंकि निर्भया कांड के जो आरोपी हैं 7 साल से उनको जो है सजा नहीं हो पाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुख की बात यह है कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां हम कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा और पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वहां मैं ये समझता हूं कि पिछले 10 साल में जब मैंने 10 साल पहले भी ये गुहार लगाई थी, मैंने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल मैडम से जब वो कुंजपुरा सैनिक स्कूल में आई थी तब भी मैंने गुहार लगाई थी, और आज 10 साल के बाद तिहाड़ जेल की एक रिपोर्ट और आती है और उसमें ये कहा जाता है कि क्रिमिनल्स जो हैं, जो निर्भय केस के एक्यूज हैं और वो कन्विक्टेड हैं, उनको सजा देने के लिए, उनको हैंग करने के लिए कोई भी जल्लाद नहीं है। पहली बात तो जल्लाद वोट बोलना नहीं चाहिए, हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जल्लाद वो लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग, जो लोग फौज में भर्ती होना चाहते हैं या यूथ हैं आज का, अगर हम देश में क्राइम खत्म करने के लिए, कम करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? इस वक्त सारे वर्ल्ड में यह हड़कंप मचा हुआ है कि इवन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट डिफरेंट कंट्रीज ये कहते हैं कि भैया सोच कर जाना, इंडिया में टॉरिस्ट जो है वो रेप हो सकते हैं। तो अगर ये हमारी छवि बन रही है तो हमारी टूरिज्म इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो ये आवाज़ें, घिनौनी आवाज़ें जो है, जैसे डॉक्टर रेड्डी की आवाज़ें हर कान में गूंजती हैं और गूंजनी चाहिए। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इसलिए लग जाएगा कि ये लड़कियां बच नहीं रही हैं। जब लड़कियां बचेंगी नहीं और एक लड़कियों के ऊपर सिर्फ पहरा और 24 घंटे में से 8-9 घंटे वो आज़ाद घूम सकते हैं, अदरवाइज वो पिंजरे में बंद हैं, तो मेरे ख्याल में ये नारा फेल हो सकता है। लड़कियों को एक विश्वास, उनके माँ बाप को विश्वास देने का बेस्ट तरीका ये है कि एज ए डेटरेंट ये फटाफट सज़ा सुनाई जाए और ये जो एनकाउंटर में इनको मारा जाए या हमारे जैसे लोगों को नियुक्त किया जाए कि हम इनको फांसी दें। सर, हम भी एक न्यूज़ देख रहे थे कि जिसमें ये बात सामने आई है कि तिहाड़ जेल के पास अपना कोई हैंगमैन नहीं है और ये बात उन्होंने ये कही है कि अगर जब किसी को फांसी दी जानी होती है तो वह बाहर से जिन जेलों के पास परमानेंट हैंगमैन है वहाँ से जो है उसको बुला लिया जाता है। लेकिन आपने ये बात क्या सोच समझ कर आपने पहले भी सरकार के सामने रखी कि आप उनको जो है फांसी देना चाहेंगे, और क्या पहले आपकी बात का कोई जवाब आपके पास सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से आया था जो अब आ पाएगा? देखिए, दुख की ये बात है कि सिर्फ ये कहना कि जल्लाद नहीं है इसलिए फांसी पे नहीं टांगा जा रहा, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ने अगर सजा सुना दी है उसके बाद वो रिव्यू पिटीशन जाती है, उसके वो प्रेसिडेंट के बाद पड़ी रहती थी पहले। अब उम्मीद है कि कोविंद साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे इमीडिएटली, तभी विश्वास बनेगा। देखिए, हमारा काम एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज ए ह्यूमन बींग, एज ए फादर, एज ए ब्रदर ये बनता है, या माँ का बेटा होने के नाते, देश का बेटा होने के नाते, कि हम जब भी देश को जरूरत पड़े तो हम साथ में खड़े हों। हैंगमैन की जरूरत क्या है? मेरी बात सुनिए कि ये कौन सा युग है कि उसमें हैंगमैन की आपको खास तौर पर जरूरत है? अगर जरूरत है तो मैं ऑफर करता हूँ अपनी सर्विसेज, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक चेयर में उसको बांध के मार दीजिए। कहाँ पर इस चीज़ को विलंब करना और लंबा खींचना कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है, तो ये हमारे लिए ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हालांकि ये बात अभी पूरी सामने नहीं है, ये बात जरूर सामने है कि तिहाड़ जेल के पास अपना जल्लाद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ इसी के कारण जो है उनको सजा नहीं हो पा रही है, फांसी नहीं दी जा रही है। हालांकि कुछ और भी कानूनी प्रक्रिया है जो अभी देरी से चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से एक और रेप की घटना सामने आई है, हालांकि 4 आरोपियों को आज एनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद ये आवाज़ जरूर उठी है कि आखिरकार 7 साल लंबा इंतजार क्यों?
ये आप जरूर चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में, हालांकि अब कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई है रेप से संबंधित, लेकिन फिर भी 7-7 साल अगर ऐसे आरोपियों को सजा नहीं हो पाएगी तो कैसा एक एग्जाम्पल जो है सेट हो पाएगा। आज एक एग्जाम्पल जरूर सेट हुआ है, हैदराबाद पुलिस ने जो कर दिखाया उसकी देश भर में खासतौर पर जो बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं उसकी सराहना करती हुई नजर आ रही है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार से जल्द इस मामले में फैसले जरूर होने चाहिए। कमल जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 1860 का जो इंडियन पेनल कोड है ना, वो रिडंडेंट होता जा रहा है। वो एक सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में, पावरफुल या पुलिस जिसके हाथ में है, उनके हाथ का एक हथियार है FIR दर्ज करना, प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर्स गोरों के टाइम में हुआ करते थे। जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, इमीडिएटली उसको सजा दो साल के अंदर अंदर। ये जुडिशियल सिस्टम अकाउंटेबल क्यों नहीं बनता कि इमीडिएटली एक साल के अंदर अंदर सजा हो? ये डिलीवर करिए ना, जैसे सरकार 5 साल का दावा करती है डिलीवर करेगी, तो एक साल में जुडिशरी क्यों नहीं डिलीवर करती जब हीनस क्राइम होते हैं? उसके ऊपर क्या सवाल है? क्या क्यों ह्यूमन राइट्स आगे आ रही है? क्या बात क्या है? जो विक्टिम्स हैं उनके राइट्स नहीं हैं, जो करने वाले क्रिमिनल्स हैं उनके राइट्स हैं, ये क्या बात है? जलाकर राख कर दीजिए, मार दीजिए, लिंचिंग कराइए, उनकी लिंचिंग करवाने की जरूरत है। तो ये आप देख सकते हैं, जोश ऐसा हर किसी इंसान में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं जो पेश आ रही हैं वो वाकई ही काफ़ी हैरान कर देने वाली है। जो शिक्षक हैं उन्होंने सरकार से अपनी बात रखी है कि वह जल्लाद बनना चाहेंगे, क्योंकि निर्भया कांड के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं हो पाई है, उनको फांसी नहीं हो पाई है। हालांकि तिहाड़ जेल में जल्लाद अपना नहीं है, इस पर जो है उन्होंने अपनी ये बात रखी है। और उनकी जो इस समय जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके टीचर हैं, आप उनसे पढ़ते हैं, तो उन्होंने कि अपनी बात जो है सरकार तक रखी है कि वह जल्लाद बनना चाहेंगे, सरकार उनको मौका दे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सर की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। 7 साल हो गए, अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई है, बल्कि उनको जब वो दोषी पाए गए थे उनको तभी सज़ा होनी चाहिए थी। बल्कि इतने बिल्स पास होते हैं हमारी पार्लियामेंट में, एक बिल ये भी होना चाहिए कि जब भी कोई रेप होता है और कोई दोषी पाया जाता है उसे ऑन द स्पॉट एनकाउंटर ही करना चाहिए, उसे सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ एनकाउंटर होना चाहिए उनका। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हैदराबाद में आज हैदराबाद पुलिस की तरफ से चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद किस तरह से जो करनाल की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं, उनकी आवाज़ यही है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ कोई लंबा केस नहीं चलना चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। तो बहरहाल ये हर किसी की प्रतिक्रिया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन ये जैसे कि आपने तस्वीरें देखी किस तरह से करनाल के एक शिक्षक जो मिहिर बनर्जी है, उन्होंने सरकार से अपनी बात रखी है कि वह हैंगमैन बनना चाहेंगे और निर्भया कांड के आरोपी जिनको अब तक 7 साल से सजा नहीं हो पाई है, फांसी नहीं हो पाई है, उनको खुद अपने हाथ से वह फांसी देना चाहेंगे। हमारी अपील आप सभी से, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।